नमस्कार, आज सरिताज किचन में बनाएंगे हम उड़द दाल का मेंदू वड़ा। चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने एक कटोरी उड़द दाल है ना भिगा के रखा था ओवरनाइट, उसे हम अच्छे से धो लेंगे। धो के इसे हम अच्छे से पीसेंगे, मिक्सी जार में डालेंगे और इसका पीसेंगे और थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। दरदरा थोड़ा पीसेंगे ना तो हमारा मेंदू वड़ा मस्त एकदम बन के तैयार होता है। देखिए इस तरह से एकदम पेस्ट नहीं बनाना है। अब इसमें थोड़ा सा हम हींग डालेंगे क्योंकि उड़द दाल है ना, तो फिर पेट में प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी वजह से थोड़ा हींग डालेंगे तो डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हार्ड है इसलिए हमें हाथ से मिक्स करना है। जितना हम इसे मतलब फेटेंगे ना उतना ही ये हमारा मेंदू वड़ा सॉफ्ट क्रंची एकदम बन के तैयार होगा, क्योंकि हमने ना इसमें सोडा डाला है ना, कुछ सोडे का यूज़ नहीं किया है। इसके वजह से देखिए इस तरह से हम पेस्ट को बना लेंगे। अब मैं आपको दो तरह से बनाना सिखाऊंगी मेंदू वड़ा। एक है कटोरी में रुमाल या कपड़ा है कॉटन का, वो लगा लेंगे और इस तरह से एक दो चम्मच जो बैटर है लेके इसे गोला बनाएंगे और बड़े आसानी से ही हमारा मेंदू वड़े का शेप बनके और परफेक्ट शेप बनके तैयार हो जाता है। तो इसे हम थोड़ा सा उंगली में पानी लगाएंगे और इसमें बीच में हम ये आकार दे देंगे मेंदू वड़े का और इसे धीरे से हम तेल में छोड़ेंगे। एक और बना के दिखाती हूँ मैं, देखिए इस तरह छोड़ के, देखिए इस तरह से। अब मैं चाय का छन्नी जो होता है ना उससे छन्नी में थोड़ा पानी लगा के वही एक या दो चम्मच बैटर लेके उसमें करेंगे। छन्नी से तो बहुत इजीली निकलता है, बहुत अच्छे से हो जाता है और इसे हमें मीडियम आंच में पकाना है। देखिए कितना मस्त कलर आया, एकदम बाहर के जैसे हमारा मेंदू वड़ा बनके तैयार है। देखिए फिर इस तरह से छन्नी में हम पानी लगा के बैटर को डालेंगे और ऐसा इसको मेंदू वड़े का शेप देके तेल में ऐसे छोड़ देंगे। देखिए कितना मस्त हमारा मेंदू वड़ा बनके तैयार है और बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। आप भी बना के ट्राई कीजिएगा और खाने में तो बहुत टेस्टी है। आपको मेरे ये मेंदू वड़े की रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, और मेंदू वड़ा बिना सांभर के तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सांभर भी, देखिए मेंदू वड़ा के साथ सांभर भी मैंने बनाया है। इंजॉय कीजिए खा के।